अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड वनकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुस्कान रसोई पाठशाला। आज हम बनाने वाले हैं जबरदस्त पेपर रसम आंध्रा स्टाइल में। ये रसम कैसे बनाते हैं अभी चलिए देखेंगे। इसके लिए चाहिए थोड़ा इमली भिगोकर रखिए, थोड़ा पानी डालकर अच्छे से भिगो लीजिए इसको। ये भिगोना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ रेड चिलीज और करी लीव्स, कड़ी पत्ता ले लीजिए बघार के लिए। इसमें 2 स्पून की धनिया, 1 स्पून काली मिर्च और 1 स्पून का जीरा और 8 कलियां लहसुन के कुचले हुए, करी लीव्स और कोतमीर चाहिए, हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें राई, हींग और हल्दी भी चाहिए। साथ ही साथ टमाटर को बारीक से कट कर लीजिए, 1 काफ़ी है। मैं हम लोग बहुत थोड़ा रसम बना रहे हैं, इसके लिए नमक और रसम पाउडर, अगर रसम पाउडर नहीं भी है ना, अब ज़बरदस्त रसम बनाने वाले हैं, देखिए आगे आगे। इसके लिए काली मिर्च, जीरा, लहसुन और धनिया को कूट लीजिए गरगरा, मतलब पेस्ट नहीं बनना है, ये इस तरह पाउडर फॉर्म में ही रहना है। इसका पाउडर मत बनाइए ना पेस्ट बनाइए। इसके 2 पार्ट बना लीजिए, 1 पार्ट जाएगा हमें टेम्परिंग के लिए, बघार के लिए, और 1 पार्ट जाएगा ये इमली के पोर्शन में डालने के लिए। हम लोग क्या करेंगे, जो आधा निकाला हुआ पेपर पाउडर है, पेपर का मिक्सचर, इमली, टमाटर, करी पत्ता, कोतमीर डालकर इसको अच्छे से मिला लेंगे। नमक और रसम पाउडर भी इसी में डाल दीजिए। इसको अच्छे से हाथ से मसल के भी आप कर सकते हो, हाथ से अच्छे से मसल कर एक हाफ लीटर पानी भी इसमें डाल लीजिए और अलग से रख लीजिए। अभी इसको हम लोग टेम्परिंग करना है। पहले कुकिंग वेसल में 1 स्पून ऑयल डाल दीजिए, डालकर थोड़ा गर्म हो गया तो हल्दी और राई डालकर इसको अच्छे से भून लीजिए। जब भून गया तब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सूखी मिर्ची और करी पत्ता डालेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग थोड़ा तीखा खाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने ज़्यादा सूखी मिर्ची डाला है, अगर आप कम खाते हो तो कम डाल दीजिए। और पेपर मिक्सचर आधा हम लोग अलग से निकाल के रखे हैं, वो भी इसमें डाल लीजिए, डालकर अच्छे से भून लीजिए। अभी ये ज़बरदस्त रसम बनने वाला है, जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। और साथ ही साथ ना, ये रसम खाने से ना सर्दी बुखार है, इस तरह रसम खाने से आपके टेस्ट बड्स पे एक्टिवेट होंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। इस तरह जो हमने पल्प बना के रखे हैं वो भी इसमें डाल लेंगे, डालकर अच्छे से इसको उबालना है। ये उबालने का प्रोसेस ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1 ही उबाल आना है, 1 उबाल आते ही इसको ऑफ कर लीजिए। क्यों, जो हम लोगों ने पेपर डाला है, अगर ये ज़्यादा उबलेगा ना तो कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए देख रहे ना, 1 उबाल आते ही रसम को बंद कर दीजिए। ये डिश मैंने सीखा है हमारे पार्वती आंटी से, थैंक यू आंटी फॉर मेकिंग मी टू लर्न रसम। तो ये रसम रहा, अभी इसको देख रहे ना अच्छे से उबल रहा है, बस अभी ऑफ कर लीजिए, 2 मिनट के लिए बाजू में रखिए और सर्व करिए। पेपर रसम आंध्रा स्टाइल बहुत ही टेस्टी रहेगा, आप जब खाओगे ना, ये खट्टा खट्टा तीखा तीखा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, साइनिंग ऑफ MRP।